तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, या आप कह सकते हैं आज न्यू वीडियो बना रहा हूँ मैं। मतलब एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं हम, सुकून की जगह। मतलब बिल्कुल ना कोई आवाज ना शोर। जिन्होंने पहले वीडियो में देखा होगा तो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वो आगे पर चल जाएगा। तो बस आज वहीं जा रहे हैं, तो हम बताएंगे हमारे हसन भाई जो हमारे साथ हैं। तो हम जा रहे हैं काशी कब्रिस्तान। तो बिना देरी करे चलते हैं काशी कब्रिस्तान, क्योंकि मगरिब की अजान भी होने वाली है। उससे पहले जल्दी जल्दी शूट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। जब मैं यहाँ रहता था पुराने घर पे जो बन रहा है न्यू, तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई हम इधर रहेंगे काशी कब्रिस्तानी गली में। मतलब जब अजान हो जाती थी मगरिब की तो ऐसे लगता था भाई अब नहीं जा सकते वहाँ। और अब 12-12, 11-11 बजे हम काश्मीर कब्रिस्तान में ऐसे फिर लेते हैं। तो मैं अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं काश्मीर कब्रिस्तान। तो पहुंच गए हैं हम, चलिए अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम या अहले कुबूर। तो यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं इधर से देखे इधर तक, और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और बहुत सारे बुजुर्गों के, और जो यहाँ देवबंद के लोग हैं उनकी भी बहुत कब्रें हैं यहाँ। और चलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कब्रें शुरुआत करते हैं वहाँ से। और सबसे पहले ये हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा केरानवी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद हदीस और अरबी के अदब, नाज़िम तालीमात रहे, और ये दारुल उलूम के मुहत्तमिम भी रहे हैं। इनकी तारीख़ पैदाइश 17 रमज़ान मुबारक है और 17 फरवरी 1930 ईस्वी, और इनकी वफ़ात हुई है 15 ज़िलक़ादा 1415, मतलब 15 अप्रैल 1995 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और आगे चलते हैं हम, और ये हैं हज़रत मौलाना मरगूबुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल उलूम के मुहत्तमिम रहे हैं। तो इनका इंतकाल यकुम मुहर्रमुल हराम 1432, मतलब 8 दिसंबर 2010 को हुआ। तो और आगे चलते हैं हम, और बड़े बड़े बुज़ुर्गों की खबरें हैं। तो आगे चलते हैं, और यहाँ हैं हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम साहब, ये शेखुल हदीस रहे हैं और नायब दारुल उलूम वक्फ के और नायब मुहत्तमिम भी रहे हैं। इनकी तारीख वफ़ात है 14 रबीउल अव्वल 1433, मतलब 7 फरवरी 2012 बरोज़ मंगल बवक्त शब। तो आगे चलते हैं, और ये हैं हज़रत मौलाना सैयद हमीदुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मदरसा आलिया कलकत्ता में, और 15 नवंबर 1967 को दिल्ली से देवबंद आते हुए कार के हादसे में शहादत पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इनके ही बराबर में ये देखिए शेखुल अदब मौलाना एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस रहे हैं दारुल उलूम देवबंद के एम, और इनकी वफ़ात 12 रजब 1374 में हुई। और आगे चलते हैं, और आगे हैं इधर से शुरुआत करते हैं। तो ये है हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नूरुल्लाह अल-मरकदऊ, ये जमीयत उलमा हिंद के सदर रहे हैं, और इनकी वफ़ात 7 मुहर्रमुल हराम 1417 हिजरी में हुई, मतलब 6 फरवरी 2006 ईस्वी। और इनके ही बराबर में तो ये कब्र है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब की, मौलाना अरशद मदनी साहब के वालिद साहब, और ये जमीयत उलमा हिंद के सदर भी रह चुके थे। और इनकी वफ़ात 12 जमातुल उला 1377 हिजरी में हुई। और इनके ही बराबर में अब शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब, और इनकी वफ़ात हुई 1339 हिजरी में। तो चलते हैं फिर आगे, और इधर से शुरुआत करते हैं। और ये हैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब नूरुल्लाह अल-मरकदऊ, ये दारुल उलूम देवबंद के मुहत्तमिम रह चुके थे भी, और बानी सदरुल अव्वल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाइफ बोर्ड, और इनकी विलादत हुई 18 रजब 1315 हिजरी, मुताबिक 13 दिसंबर 1897 ईस्वी में, और इनकी वफ़ात है 6 शव्वाल 1403 हिजरी, मुताबिक 17 जुलाई 1983 ईस्वी। और इनकी बराबर में चलते हैं, और यह हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब, ये दारुल उलूम वक्फ़ मुहत्तमिम रह चुके थे, और तारीख़ पैदाइश इनकी 24 जमादुस्तानी 1344 हिजरी,
मुताबिक 8 जनवरी 1926 ईस्वी और इनकी तारीख वफ़ात है 26 रजबुल मुरज्जब 1439 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल और ये लिखा है 2018। और फिर इन्हीं के बराबर में हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, इनका इंतकाल 1297 हिजरी में हुआ। बहुत लोग जानते भी हैं इन्हें। तो और आगे चलते हैं, और ये खबर है मेरे दादा की, हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब, ये भी दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद रह चुके हैं। ये था कासिमी कब्रिस्तान का बहुत प्यार समंजर, और बड़े बड़े बुजुर्गों की मैंने आपकी खबर दिखाई। तो ये था छोटा सा कासिमी कब्रिस्तान। बहुत लोग आते हैं यहाँ बाहर से देखने कब्र हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी साहब की, और बहुत बुजुर्ग हैं, उनके फातिहा पढ़ने आते हैं। तो बस अब मगरिब की अजान भी होने वाली है, तो बस नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी से, और फिर मिलेंगे आपको नमाज के बाद। पढ़ के तो आ चुके हैं हम, और हसन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ है हसन भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की वीडियो बनाने में और बहुत सारी चीज़ें, तब तो इनका भाई रहेंगे कोई बात नहीं। लेकिन चलिए हम तैयारी करते हैं जिम की, और बस फिर चलेंगे जिम। खबीस गिरा, चलो इनका बदला हम बाद में लेंगे, तो पहले हम तैयारी करते हैं जिम की। तो रेडी तो हो चुके हैं, बस अब निकलते हैं जिम के लिए, लेकिन आज वॉइस नहीं जाने का, पता नहीं कौन बनाएगा वीडियो वगैरह, चलिए देखते हैं कोई बना दे। लेकिन उससे पहले चलते हैं, देर भी हो रही है, 8 बज गए हैं, 8:10 हो रहे हैं, 8 बजे होता है जिम, और 8:10 हो गए, चलिए जल्दी से, एक दो चीज़ें और रह गई हैं वो चल के फिर चलते हैं जिम। तो आ गया था मैं, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कब्रिस्तान का टूर दिखाऊं आपको, करवाऊं, मतलब सब कुछ जानकारी बताऊं कि कौन कौन सी यहाँ कब्रें हैं और किस किस की हैं, तो मैंने आज दिखा दिया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर नाश्ता के अलावा खाना खाते हैं, बहुत ही भूख लग रही है। तो आज खाने में हमारे साथ अल्टे पल्टे रोटी और खरबूजा शेक और ये पानी। तो बस अब खाते हैं, तो ब्लॉग की बस एंडिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे ज़रूर दबाना, उसके बाद से मुझे बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको कल को एक और न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।